सलमान खान की फिल्म सिकंदर के सेट पर नजर आई आराध्या बच्चन। ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या सलमान खान की सिकंदर के सेट पर काफी इज्जत करते हुए मिलती नजर आती हैं। दोस्तों, सलमान खान की सिकंदर फिल्म की चर्चा पूरे साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। खबरों की माने तो सिकंदर फिल्म बहुत खतरनाक होने वाली है। ये फिल्म पूरे बॉलीवुड सिनेमा को बदल। जानकारी के लिए बता दे कि टाइगर 3 के बाद सलमान खान ऐसी फिल्म करना चाह रहे हैं जो लोगों को कई सालों तक याद रहे, इसीलिए वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे। दोस्तों, मास और क्लास इस फिल्म पर बहुत ज्यादा पैसा लगा है, इसलिए सलमान के साथ साथ मेकर्स भी इस पिक्चर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, फिल्म ऑन टाइम चल रही है, मतलब इसमें कोई डिले नहीं है, तभी तो इसकी शूटिंग शुरू होने के बाद धीरे धीरे अपडेट आते ही जा रहे हैं। हाल ही में सिकंदर के म्यूजिक को लेकर अपडेट आया है। अपडेट से पता चला है कि इसके दो झामफाड़ गानों की शूटिंग यूरोप में की जाएगी। अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में सलमान खान की देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सलमान खान की फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि अब आप सलमान की किस फिल्म को पहले देखना चाहते हैं। वैसे तो सलमान द बूल पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो यशराज स्टूडियो की अगली फिल्म है। वही कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि सलमान सिकंदर को पहले रिलीज करेंगे। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि द बुल फिल्म की शूटिंग सिकंदर के बाद करेंगे और इसके बाद ब्रेक लेंगे। कहा जा रहा है कि द बुल फिल्म में सलमान खान पहली बार एक अर्धसैनिक अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में सलमान खान के अलावा सामंथा रुथ प्रभु भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट के अनुसार सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में स्क्रिप्ट पढ़ने और निर्देशक के साथ चर्चा करने के लिए मुंबई में थीं। नेशनल अवार्ड विजेता पहली फिल्म शेरशाह के बाद विष्णुवर्धन की दूसरी हिंदी फिल्म द बुल सलमान के साथ होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान अभिनीत फिल्म भारतीय सेना की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी और ये एक हाईटेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होने की उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों, इस फिल्म का नाम द बुल बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। वही दोस्तों।